हेलो गाइज, जैसा कि देख रहे मेरे स्क्रीन पे एक न्यूज आई थी येस्टरडे। एक न्यूज आई थी न्यूज आई थी ये कि सीबीएसई और आईसीएसई का जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो कैंसिल कर दिया गया, अब इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे? तो ये कैंसिल क्यों हुआ है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि ये कैंसिल क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें ये हुआ ना कि कुछ कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने पीआईएल लगाया सुप्रीम कोर्ट में कि अभी कोरोना पीरियड में एग्ज़ाम देना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है उनके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे जाना, आपको वहाँ एग्ज़ाम देना, फिर आना, मिस सोशल डिस्टेंसिंग तो स्कूल वाले फॉलो करवा भी देते एग्ज़ाम में, लेकिन थोड़ी रिक्सी थी। और अभी बच्चे हैं सारे, टेंथ और ट्वेल्थ के हैं, तो इनको रिक्स में नहीं लेने के लिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने। ये बोला कि आप एक बार पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को ये बोला कि आप डायरेक्ट क्या क्या आप कुछ बताएं हमें कि कैसे आप एग्ज़ाम लेने वाले हो, नहीं लेने वाले हो। तो जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने सीबीएसई को बताया कि हम ऐसे ऐसे एग्ज़ाम लेने वाले हैं, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुए। तो उन्होंने यही किया है कि अभी जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है, कि अब जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स जो जुलाई में होने वाले थे, जो 15 जुलाई से इसका सीबीएसई का होने वाला था और 2 जुलाई से आईसीएसई का होने वाला था, तो एग्ज़ाम को अभी क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है। मीन्स अब इसके मार्क्स कैसे आएंगे ये समझे आप। तो इसके मार्क्स इस तरह दिए जाएंगे ना कि ये बोल रहा है, अब देखो ये इसमें बोला गया है कि आगे जो पिछले जो 3 एग्ज़ाम, मतलब जो 10th में एग्ज़ाम हुए थे रिमेनिंग जो कोविड-19 से पहले, उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम नहीं हुए उसके अकॉर्डिंग उसमें उसको मार्क्स दे दिए जाए, उनको से मतलब एग्ज़ाम नहीं देने, मतलब उसके अकॉर्डिंग उनको नंबर दे दिए जाए, एलोकेट कर दिए जाएँ। तो यहाँ पे अब ये हुआ कि अब रिजल्ट का वेट कीजिए, क्योंकि अब ये बाकी आप समझ ही सकते हो कि बाकी कॉपी जो चेक तो हो ही चुकी होगी, बाकी कुछ ही बचा होगा, तब तो इसमें बस नंबर ही एलोकेट करने वाले हैं। तो रिजल्ट भी आपके 1 या 2 मंथ में आ जाए, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ में आ जाएंगे, क्योंकि अब बस इनको मतलब फिल करके बस लास्ट तैयारी करना रिजल्ट। तो यहाँ पर ये अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग कोविड-19 इन्फेक्शन अक्रॉस द कंट्री, सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द रिमेनिंग बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 12th एंड 10th विच वेयर शेड्यूल टू हेल्ड इन जुलाई। अब देखो क्या बोला, द बोर्ड टोल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे डेट क्लास 12th स्टूडेंट्स नॉट हैप्पी विद द मार्क्स टू बी अकॉर्डेड टू द पेंडिंग पेपर्स विल ऑल्सो बी गिवेन एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड विन द एटमोसफेयर बिकम्स कंड्यूसिव वाइल द एग्जाम ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर क्लास 10। हाँ देखो यहाँ पे एक चीज़ और मेन चीज़ क्या है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है। मीन्स यहाँ पे एक चीज़ मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ क्लास 12th के स्टूडेंट हैं जिनका इफेक्ट होता है, मतलब इफेक्ट होता है उनके जेई, कभी जेई मेन के इफेक्ट होता है, जेई मेन पे अगर लाते हो तो अगर टॉप 20% टाइम रहते हो तभी आपको एडवांस भी देने दिया जाता है, कुछ कुछ है, मतलब ऐसा सीन होता है। तो इसी कारण क्या क्लास 12th वाले बच्चे बोल रहे हैं क्या कि मुझे एग्ज़ाम देना है, तो 10th का तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, 10th का आपको तो एग्ज़ाम अब नहीं होने वाला है, तो 10th क्यों, अब आगे की सोचनी चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है, क्या लेना है, मैथ्स लेना है या फिर बायो, मैथ्स लेना है या बायो लेना है या फिर आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में आना है, अब उनको डिसाइड करना है 10th वालों को। लेकिन 12th वाले के जब जब थोड़ा एटमोसफेयर सही होगा तो उनके हो सकते हैं एग्जाम, मीन्स अभी उन पर कुछ फाइनल डिसीजन नहीं है 12th वाले के लिए, क्योंकि उनके उनके मार्क्स जो होते हैं, मार्क्स इफेक्ट करते हैं, किस पे इफेक्ट करते हैं, तो जेई मेन इन पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या रखा है, द आईसीएसई बोर्ड ऑल्सो कैंसल द एग्जाम एंड इन्फॉर्म द बेंच डेट इट वुड नॉट बी गिवेन री एग्जामिनेशन ऑप्शन टू क्लास ऑफ 10th एंड 12th, रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इनके मार्क्स दे दिए जाएंगे, लेकिन सीबीएसई में कुछ स्टूडेंट क्या थे, हैप्पी नहीं थे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेट द क्लास 12th स्टूडेंट्स नॉट हैप्पी विद द मार्क्स टू बी अकॉर्डेड टू द पेंडिंग पेपर्स विल ऑल्सो बी गिवेन एन ऑप्शन ऑफ द टेकिंग द एग्जाम टू बी कंडक्टेड वेन द एटमोसफेयर बिकम कंडक्सिव वाइल द एग्जाम ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर क्लास 10। मीन्स 10 के लिए तो सीबीएसई में कैंसिल डायरेक्टली कर दिया गया है, 12th वाले हैप्पी नहीं है, तो उनके लिए कुछ किया गया, अगर जो एटमोसफेयर सही होगा, कुछ नॉर्मल होगी तो एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, नहीं होगा तो फिर उनको भी इसी तरह एलोकेट मार्क्स कर दिए जाएंगे, जिस तरह आईसीएसई ने बोल दिया है कि उनके मार्क्स एलोकेट कर दिए जाएंगे। द बेंच आस्क्ड सीबीएसई टू फाइल द एन एफिडेविट ऑन फ्राइडे गिविंग ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर इट टू पास ऑर्डर ऑन द प्ली बाई अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स सीकिंग द स्क्रैपिंग ऑफ द बोर्ड एग्जाम सो दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपोज टू द डेडली वायरस। मैंने क्या बताया था कि कुछ जो ग्रुप थे पेरेंट्स के, उन्होंने क्या पीआईएल डाला था कि हमारे बच्चे को मतलब रिस्क हो सकता है इस टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब जो 10th के एग्जाम है वो तो कैंसिल हो गया, आईसीएसई ने तो बोल ही दिया कि 10th 12th दोनों के नहीं होंगे, लेकिन सीबीएसई वालों के 12th वाले कुछ बच्चे हैं जो खुश ही नहीं हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ये भी बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप कैसे इनको मार के वार्ड करोगे। क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो आस्क्ड देम टू फाइल द डिटेल्स ऑफ द स्कीम ऑन हाउ मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर द पेंडिंग पेपर्स एंड व्हेन द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे मांगा था कि जो सोलिसिटर जनरल हैं इनके, तुषार मेहता, तो उन्होंने सारा चीज़ बताया कि आप मार्क्स कैसे देंगे और रिजल्ट कब डिक्लेयर करेंगे। तो देखो ये तो खुशी की बात है, चलो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब आगे की सोचो, पढ़ाई करो, क्योंकि 10th की एग्ज़ाम होता है कि थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर होता है। चलो 10th वालों की तो खुशी की बात है, अब आगे की आप सोचो, आगे आपको क्या करनी है, कैसे आपका फ्यूचर अच्छा हो। आप थोड़ा अपने पेरेंट्स से जाओ, डिस्कस करो कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे आपको पता होता है कि आपको क्या करना है आगे, लेकिन फिर भी होता है कि पेरेंट्स से डिस्कशन करो, एक एटमोसफेयर बनाओ, आगे हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है, आगे किस साइड जाना है, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेज होता है एक स्टूडेंट के लिए। इंपॉर्टेंट स्टेज होता है कि डिसाइड करें और आगे बढ़ें कि मुझे किस फील्ड में जाना है आगे, क्योंकि ये आपको फिर एक बार आप जिस फील्ड में चले गए उसी फील्ड को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप इस चीज़ को देखो और अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, फ्रेंड से डिस्कस करो किस फील्ड में अच्छा रहेगा आपके लिए, आप किस तरह का चाहते हो, क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में। 10th वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आगे की प्रिपरेशन करो। अब आपका रिजल्ट भी आ जाएगा 1 या 2 महीने में। एज़ पर द न्यू स्कीम, देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, थिंग्स बींग प्रिपेयर्ड बाई CBSE एंड मार्क्स विल बी अवार्डेड टू क्लास 12th स्टूडेंट बेस्ड ऑन द कम्बाइंड असेसमेंट ऑफ मार्क स्कोर इन द प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट एंड दोज पेपर फॉर विच ए कैंडिडेट हैज ऑलरेडी अपेयर इन द एग्जाम सोर्सेज सेट में। सोर्सेज ने ये बताया कि CBSE ने 12th वालों के लिए भी कुछ कुछ मतलब कर रखा है कि जो इंटरनल असेसमेंट जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनके मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो बाकी सही है, लेकिन अभी और यहाँ पे देखो फिर से लिखा हुआ है क्या कि द अपॉर्चुनिटी टू द इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एन एग्जाम विच विल बी कंडक्टेड एट द कंड्यूसिव टाइम। अगर जो आप चाहते हो कि देना चाहते हो, तो अगर जो किसी का आपका मार्क्स चाहते, अब किसी को अवार्ड हो गया मार्क्स, लेकिन वो चाहता है किसी को, होता है ना, किसी किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, बाकी में थोड़े कम आते हैं, तो चाहते हैं कि नहीं मेरा तो ये एग्जाम होना ही चाहिए था। तो अगर जो ऐसा आपके है, तो वो भी उन्होंने बोला है कि अगर जो टाइम आएगा और अच्छा टाइम होगा, मतलब थोड़ा सा एटमोसफेयर सही होगा, जिस तरह अभी अभी कितने तेज़ी से कोरोना हमारे बीच फैल रहा है, अगर जो सही टाइम थोड़ा सा भी नॉर्मल होगा तो उसको फिर से ट्राई करवा सकते हैं वो। ठीक है, तो आगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे यहाँ पे मैं और यहाँ पे अभी आपको क्या बताऊँ, तो अभी आप पे ये डिपेंड करता है कि अभी आपको देखो और आगे पढ़ाई के लिए लग जाओ और सोचो कि अभी भी क्या करना है आगे। 12th वाले की तो यही होगा कि अब मेंस की प्रिपरेशन करें जम के, जो नीट की करें नीट की करें, और जिस तरह इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो उस साइड के करें, और जिनको कॉमर्स साइड जाना है तो कॉमर्स के लिए, CA के लिए फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, और आर्ट्स वाले जो अपने जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जा सकते हैं। अभी ऐसे मैं देखो मैं CBSE की साइट भी देख रहा था, वहाँ पर तो ऐसी अभी कुछ अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल पे इंजीनियर अड्डा पे मैं आपको बता दूंगा। तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहें, मैं यहाँ पे पूरे तरीके से देख रहा था CBSE ने कुछ अभी यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, तो अभी ऐसा कुछ आया नहीं है उनके साइड से, जैसे देख लो CBSE रिजल्ट या फिर नीट JEE मेन या कोई भी एग्ज़ाम के लिए, अभी ऐसा कुछ यहाँ पे आया नहीं है उनके साइड से। उनके साइड से जैसे ही कुछ आता है, पूरे डिटेल्स आता है, तो मैं आपको अपने चैनल पर पूरे तरीके से सब चीज़ बता दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। ओके, थैंक यू।